तो दोस्तों, आज की वीडियो बेसिकली डेरिक लंसफोर्ड की वजह से बन रही है। आप ऐसे समझ के चल सकते हो कि डेरिक लंसफोर्ड का अपडेट आया था, इसलिए मैंने बाकी के अपडेट्स भी कलेक्ट करे और ये वीडियो बनाई है। बिकॉज दोस्तों, मुझे जरा भी डाउट नहीं है कि डेरिक लंसफोर्ड को अगर कोई कह दे कि वो अगले 3-4 सालों तक मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीत सकते, उस पोजिशन पर रह सकते, देन गाइज आई एम डैम श्योर, मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंस है उन पर, बिकॉज उनको खुद पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। मतलब फिलिथ के बाद कोई ऐसा बॉडी बिल्डर आया है जो कि ऐसे सपने दिखाता है लोगों को कि एक लॉन्ग टाइम के लिए वो इस जर्नी पे टिक सकते हैं, एंड लॉन्ग टाइम के बाद एक कुछ ऐसा माइंडसेट देखने मिल रहा है जो कि अपने ऑप्शन में भी फिलिथ जैसा एक लीन डाइट करता है, लीन फिजिक मेंटेन करता है। हालांकि फिलिथ इनसे भी ज्यादा ऑफ जाते थे, बट डेरिक लंसफोर्ड इतने ज्यादा सीरियस है कि वो ओनली प्योर क्वालिटी मसल मास अपने फिजिक पे ऐड करे। और आप 2020 के डेरिक को देखना, 2021 के देखना, 2022, 2023 और अभी के डेरिक को देखना, उन्होंने कंसिस्टेंटली अपने फिजिक पे क्वालिटी मसल मास पुट ऑन किया है। एट द सेम टाइम गाइज, राउंडनेस देखो आप फिजिक में, उनकी चेस्ट, उनके शोल्डर्स, उनके आर्म्स, मतलब ये फिजिक देख के आप बता देना कि डेरिक लंसफोर्ड कहाँ पे कम पड़ रहा है बाकी बॉडी बिल्डर से। लेग्स में तो आउटर स्विप्स में और ज़्यादा साइज ऐड ऑन करा है उन्होंने, कैव्स उनके ऑन पॉइंट है, मिड सेक्शन ऑन पॉइंट है, ओवरऑल बॉडी फुलनेस से भरी पड़ी है। बैक डबल बाइसेप का तो यहाँ पे कोई मुकाबला है ही नहीं, उसके बारे में मैं तो बोलने वाला ही नहीं, बिकॉज आप सभी को पता है कि वो कंसिस्टेंटली जैसे इंप्रूवमेंट करते आए अपने बैक में, उससे भी तगड़ी बैक इस साल दिखाएंगे। और अभी पिट्सबर्ग प्रो में तो वो गेस्ट पोजिंग करने वाले, तब पता चलेगा कि कौन कितना पानी में है और डेरिक लंसफोर्ड कितने ऊपर है। बिकॉज पिट्सबर्ग प्रो डेरिक लंसफोर्ड का होता है, मतलब जो गेस्ट पोजिंग करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा छा जाते हैं डेरिक लंसफोर्ड, सबसे ज़्यादा उनके फोटोज़ वायरल होने लगते हैं। और गाइज, ये उनके लिए अपडेट था, पहला अपडेट, बहुत ज़्यादा ही बोल दिया मैंने उनके बारे में गाइज, बट मुझे ज़रा भी डाउट नहीं है कि वो अगली बार ओलंपिया चैंपियन नहीं बनेंगे या फिर इस साल उनका एरा खत्म हो जाएगा। गाइज, ही जस्ट स्टार्टेड हिज ओन एरा और मुझे लगता है कि 3-4 सालों तक तो डेरिक लंसफोर्ड का नाम रहने वाला है। और हो सकता है कि इस साल हम अर्नोल्ड में भी दिखे उनको, मतलब अगले साल की बात कर रहा हूँ मैं, बिकॉज अर्नोल्ड में जो उन्होंने प्राइज मनी कराया $500, उसकी वजह से हो सकता है कि वो भी कम्पीट करे, बिकॉज एक बहुत बड़ी अमाउंट भी होती है। ओलंपिया का टाइटल तो एक अलग लेवल का इंपॉर्टेंस लाता है बॉडी बिल्डर के एक करियर में, एक उनकी ज़िंदगी में, बट स्टिल अगर इतना मनी वो ऑफर कर रहे हैं बॉडी बिल्डर्स को, देन डेफिनेटली डेरिक लंसफोर्ड एक विनर वाला जज्बा रखते हैं। सो गाइज, ये अपडेट था डेरिक की तरफ से। और जैसे मैंने कहा है कि मैं कंसिस्टेंटली वीडियो लाऊंगा अप्रैल से, मैं तो गाइज ला रहा हूँ, बट मुझे लोगों के सब्सक्राइबर्स नहीं मिल रहे। तो दोस्तों, जो नए लोग हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, आप ये वीडियो पूरी देख लेना, बिकॉज मैं जॉब के साथ साथ ये वीडियोज़ बना रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ और आप लोगों के सामने ये वीडियो मैं ला रहा हूँ। सो गाइज, थोड़ा सा आप सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक भी करो। तो चलिए अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्रिएटिन एग्जैक्टली क्यों और कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिएटिन ADP को ATP में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ADP मतलब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, उसको ATP में कन्वर्ट करते हैं। और आप जब जिम जाते हो, आप जब वेट पुश करते हो, देन उस एक एक्स्ट्रा रेप के लिए या फिर एक्स्ट्रा 2 kg वेट के लिए वो आपको हेल्प करता है, और इसीलिए ATP यूज़ किया जाता है। और जब क्रिएटिन आपके मसल्स में अच्छी तरीके से स्टोर होगा, देन उसके रिजल्ट्स आपको 100% मिलेंगे। साइंस के अकॉर्डिंग दोस्तों, ये रिसर्च करा गया है कि क्रिएटिन लेने से एक एक्सपीरियंस लिफ्टर में 8-9% स्ट्रेंथ बढ़ी है और 14-15% चेंज रिपीटेशंस में हुए, मतलब उतने ज्यादा रिपीटेशंस करने के लिए उसकी ताकत बढ़ी है। और अपने बॉडी बिल्डर से भी सुना होगा कि क्रिएटिन लेने के बाद आपके मसल्स बहुत ज्यादा फुलर लगते हैं, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ इंट्रामस्कुलर वाटर रिटेंशन। क्रिएटिन क्या करता है, आपके मसल्स में वाटर को पुल करता है, उसकी वजह से आपके मसल्स हमेशा फुलर लगते हैं। और दोस्तों, बहुत ज्यादा मिथ्स है कि क्रिएटिन को कैसे यूज करना चाहिए, ज्यादा यूज करेंगे देन किडनी डैमेज होगी, बहुत सारे इश्यूज होंगे। एंड गाइज, देयर आर बेसिकली 2 वेज टू लोड क्रिएटिन इन योर बॉडी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं गाइज, फर्स्ट 7 डेज के लिए क्रिएटिन बॉडी में लोड करते हैं, या फिर 5 डेज के लिए 20-25 ग्राम पर डे, और उसके बाद उनके बॉडी में क्रिएटिन अच्छी तरीके से सैचुरेट होता है, लोड होता है, और उसके बाद वो दिन का एक कांस्टेंट क्वांटिटी अमाउंट लेते हैं। और दूसरा वे ये है कि गाइज, क्रिएटिन आप डेली कंसिस्टेंटली एक सेम अमाउंट में ले सकते हो। जैसे कि मैं पर्सनली दिन का 4 ग्राम क्रिएटिन लेता हूँ, तो आप भी 5 ग्राम तक क्रिएटिन ले सकते हो। या फिर आपको अगर लोड करना है फर्स्ट 5 डेज में, देन आप अच्छी तरीके से लोड करके बॉडी में रिजर्वेशन बना सकते हो। सो गाइज, यही था क्रिएटिन के बारे में, और इन सारे बेनिफिट्स को आपके बॉडी में एक्सपीरियंस करने के लिए ही ट्रांसफॉर्मियम न्यूट्रिशन ने अल्ट्रा क्रिएटिन ये प्रोडक्ट बनाया, और ये मैंने ओवरऑल समरी आपको दी थी। तो अगर ट्रांसफॉर्मियम का क्रिएटिन आप यूज़ करोगे, देन ये सारे बेनिफिट्स आपको डेफिनेटली मिलने वाले। तो अगर आपको बाय करना, देन कूपन कोड मेरा स्क्रीन पे, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू ऑर्डर कर सकते हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, दूसरा अपडेट शुरू करने से पहले मेरा एक सवाल है आप सारे लोगों से कि कितने लोगों को लगता है एरिन बैंक्स दोबारा अपने मेंस फिजिक का टाइटल जीत सकते हैं।
सो गाइस, मेरा आंसर तो है यस, बिल्कुल यस, वो जीत सकते हैं। बिकॉज उनको जो जजेस ने फीडबैक दिया था, उन इतना ज़्यादा सीरियस लिया कि उनने पूरा ऑफ डाला अपने फिजिक पे, और उनने कहा था जब तक मैं 7 LBS मसल मास एड ऑन नहीं करता फिजिक पे, तब तक मैं कम्पीट नहीं करूँगा। और अभी फिजिक देख के लगता है कि उन्होंने वो मसल मास एड ऑन करा है, खास करके उनके आर्म्स एंड उनकी चेस्ट गाइस। बिकॉज बैक में तो उनको ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत पहले भी नहीं थी, और गाइस डेफिनेटली बंदे में इंप्रूवमेंट लग रही है। बिकॉज ये वर्कआउट के दौरान का पंप नहीं है गाइज, ये प्योर मसल मास है, आप देख सकते हो। और एरन बैंक जैसा बंदा जो कंसिस्टेंटली इतने 2.5-3 साल में इंप्रूवमेंट करते आया है, उनके लिए तो ये इंप्रूवमेंट एक मामूली सी चीज़ है। और अगर बात आती है टाइटल की, देन डेफिनेटली वो जीत सकते हैं। बिकॉज उनको जस्ट कंडीशन आना है, जो जिसने इंप्रूवमेंट कहे थे वो अपनी इंप्रूवमेंट्स आर्म्स में शो करने और अपना टाइटल लेके जाना है। सो डेफिनेटली यस, अभी भी उस रेस में चल रहे एरन बैंक्स मेरे अकॉर्डिंग। और ये फिजिक देख के आपको क्या लगता है, जल्दी आप उनको दुबई प्रो शो में देखने वाले हो। सो स्टे ट्यून फॉर हिज अपडेट। और एरन बैंक्स के लिए आप क्या सोचते हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तो आज के वीडियो का लास्ट अपडेट है गाइस, क्विंटन एरिया की तरफ से, और वो भी कम्पीट कर न्यूयॉर्क प्रो में, और वो भी मैट जैनसन के स्टूडेंट है। मतलब मैट जैनसन के नीक वॉकर भी स्टेज पे उतरने वाले हैं और क्विंटन बीस्ट भी स्टेज पे उतरने वाले हैं। सो कड़ा मुकाबला तो देखने ज़रूर मिलेगा, बट वो नीक वॉकर या क्विंटन के बीच में रहेगा या फिर नीक वॉकर और टोनी बोल्टन के बीच में रहेगा, वो देखने लायक होगा। बट डेफिनेटली वन साइडेड तो अपने नीक वॉकर को ही जीतना है, बट क्विंटन बीस्ट तो यहाँ पे अच्छा वीडियो पर शो करे, इम्प्रूवमेंट्स तो उन्होंने करे होंगे। मतलब मैं उनको ज़्यादा फॉलो नहीं करता जितना मैं बाकी कैथलेट्स को करता हूँ, बट फिर भी जो इम्प्रूवमेंट्स करे स्टेज पे ही समझ सकते हैं अगर कंपेयर करें पास्ट कॉम्पिटिशन से। बिकॉज उनकी फ्रेम तो काफ़ी बड़ी लंबी है, और ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स अभी तो नोटिस नहीं हो रहे मुझे। बिकॉज जो उनको इम्प्रूवमेंट्स चाहिए मेजर, वो उनका लेग्स का एरिया है। लेग्स के एरिया में उनको मेजर साइज एड ऑन चाहिए अभी भी। अपर बॉडी ठीक ठाक है, वीडियो पर काफ़ी अच्छा आ रहा है, वेस्ट टू कंट्रोल रखा है, बैक भी उनकी ठीक ठाक आती है। सो क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो इनके लिए, आपको लगता है न्यूयॉर्क प्रो खेल के वो क्वालिफिकेशन मिल सकता है उनको, या फिर उनको कोई और शो खेलना पड़ेगा, या फिर इस साल उनका क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता। सो गाइस, मेरे अकॉर्डिंग तो इस साल क्वालिफिकेशन ना मुश्किल चीज़ है, और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स है, बट डेफिनेटली स्टेज पे चढ़ने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। सो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट विशेस है मेरी तरफ से। और ये आज के अपडेट्स थे। वीडियो आपको कैसे लगी, क्या चेंजेस और क्या नयापन आप वीडियो में चाहते हो, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, सी यू सून, लव यू ऑल एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट।